जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए टेक्निकल चार्जर चैनल और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर दिन आपको टेक डोज मिलती रहे। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हो गए हैं आपके सामने नई टेक न्यूज लेकर। आज ढेर सारी नई लॉन्चिंग हुई और ढेर सारे नए स्मार्टफोन्स के बारे में दोस्तों न्यूज हुई है रिवील, तो हर एक के बारे में बात करेंगे आज के एपिसोड में। तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। मैं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। वेलकम बैक दोस्तों, बिना टाइम लगाए फटाफट से आ जाते हैं पहली खबर पर, जो कि नोकिया से है। सरप्राइज लॉन्चिंग की है दो स्मार्टफोन्स की। फ्लिपकार्ट पर 5.4 को टीज तो किया था लेकिन डेट अनाउंस नहीं की थी, लेकिन फिलहाल दोनों स्मार्टफोन लॉन्च हो गए। 5.4 की आपको अनबॉक्सिंग मिल जाएगी चैनल पर जाकर, आप देख सकते हैं। 3.4 की भी जल्दी आपको चैनल पर दे देंगे। फिलहाल आपको बता देते हैं प्राइस दोनों स्मार्टफोन के। 5.4 के लिए आपको 13,999 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और दो वेरियंट में आपको मिल जाएगा जिसके प्राइस 15,000 तक जाते हैं, जबकि 3.4 के लिए 11,999 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 चिपसेट के साथ में आ रहा है। 5.4 मिल रहा है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 चिपसेट 4000 एमएएच की बैटरी के साथ में। इसके बाद एक और डिवाइस है जो कि नोकिया ने इंडिया में लॉन्च की है। आपने देखा होगा फिलहाल एक दो साल से यह ट्रेंड चल गया है कि स्मार्टफोन के साथ में दूसरे एक्सेसरीज और डिवाइसेस को भी लॉन्च किया जाता है, इसीलिए नोकिया ने भी कर दिए हैं इंडिया में अपने नए ईयरबड लाइट लॉन्च, जो कि तकरीबन कंपनी के मुताबिक 35 घंटे तक का आपको प्लेबैक टाइम दे सकते हैं IPX7 रेटिंग के साथ में। इन ईयरबड्स को खरीदने के लिए आपको 3599 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ये भी आपको फ्लिपकार्ट या फिर नोकिया की ऑफिशियल इंडियन वेबसाइट दोनों ही जगह मिल जाएंगे। सेल इसकी जल्दी ही स्टार्ट होने जा रही है दोस्तों, आप चाहें तो इन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद एक और लॉन्चिंग है जो कि इंडिया में आज मुकम्मल हुई है। नॉइस ने नए स्मार्ट वॉच को इंट्रोड्यूस कर दिया है, कलर फिट 3 प्रो, जो कि 3999 रुपए की प्राइस रेंज में लॉन्च की गई है। 14 डिफरेंट आपको स्पोर्ट्स मोड मिलेंगे और डिजाइन भी दोस्तों काफी प्यारा है, जो कि लगभग हर स्मार्ट वॉच में अभी एक ट्रेंड जैसा बन गया है। सेम आपको वैसी ही इसकी भी लुक और डिजाइन मिलेगी। इसके बाद अगली खबर आ रही है ओकला से दोस्तों। आप और मैं, हर कोई दोस्तों जो इंटरनेट यूज करता है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है जानने के लिए कि उनका नेटवर्क आखिर कैसी स्पीड दे रहा है। ऐसे में सिर्फ वो लोग जो कि वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए डेटा यूज करते हैं, तो उनके लिए ओकला ने डेडिकेटेड दोस्तों एक वीडियो टेस्ट इंट्रोड्यूस कर दिया है। फिलहाल ये iOS बेस्ड डिवाइसेस के लिए है, यानी कि आईफोन्स वगैरह के लिए। वो इस टेस्ट को कर सकते हैं ताकि जान सकें कि उनका नेटवर्क कैसा वीडियो स्ट्रीमिंग में प्रोग्रेस देता है और कैसी परफॉर्मेंस देता है। यहां पर एंड्रॉइड यूजर को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों ये फिक्स है कि जल्दी हमें वहां पर भी देखने को ये टेस्ट मिल जाएगा। इसके बाद अगली खबर है एप्पल से दोस्तों। अपनी AR डिवाइसेस के लिए एप्पल बहुत ही छोटी पतली और हल्की डिस्प्ले को खोज रहा है। ऐसे में उसकी जो सुई है वो जाकर रुकी है ताइवानी चिप मेकर TSMC से। इसके साथ में कंपनी पार्टनरशिप कर सकती है, बातचीत चल रही है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन अगर पार्टनरशिप हो जाती है तो आने वाली हमें AR डिवाइसेस में एप्पल के इस चिप मेकर यानी कि TSMC की डिस्प्लेस दोस्तों देखने को मिल सकती हैं। बाकी देखेंगे आने वाले दिनों में और क्या इस डील को लेके निकल के सामने आता है। बाद एक और खबर आ रही है एप्पल से ही दोस्तों। एप्पल अपने मैक को और भी ज्यादा बेहतर और भी ज्यादा इंप्रूव्ड बनाने पर दोस्तों जोर दे रहा है। ऐसे में कुछ नए फीचर्स को टेस्ट कर रहा है जिनके बारे में थोड़ी जानकारी दोस्तों मार्केट में आ गई है। इसमें बताया जा रहा है कि आने वाले नए अपडेट्स में एप्पल दे सकता है अपने मैप में इंसिडेंट यानी कि एक्सीडेंट्स वगैरह को लेकर रिपोर्ट। अगर किसी रास्ते पर आप जा रहे हैं वहां पर कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसको लेकर भी आपको अपर अलर्ट और इंफॉर्मेशन वगैरह मिल जाएगी। इसके अलावा स्पीड आपकी कैसी है, जैसे कि गूगल मैप में है, वो फीचर भी आपको यहां पर अब देखने को मिलेगा। यानी कि बहुत कुछ आपको इंप्रूव अब मिलने वाला है जल्दी ही। फिलहाल अभी बीटा वर्जन इसका टेस्ट हो रहा है, हर एक को अभी यह नहीं मिला है। आने वाले दिनों में हमें बीटा और स्टेबल वर्जन आपको iOS डिवाइसेस में मिल सकता है। अगली खबर है पोको M3 स्मार्टफोन के बारे में दोस्तों। इंडिया में ऑलरेडी फोन लॉन्च हो चुका है, पहली सेल भी इसकी जा चुकी है, लेकिन कंपनी ने पहली ही सेल में दोस्तों ताबड़तोड़ बिक्री की है, 1.5 लाख से ज्यादा यूनिट्स को बेच दिया है। अगली सेल 16 दिसंबर को कंपनी ने अनाउंस कर दी है। 6000 mAh की मैसिव बैटरी 18 वाट की चार्जिंग के साथ में फोन कंपनी ने इंडिया में लॉन्च किया है। अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो जाकर चेक कर लीजिए। अगली खबर आ रही है OnePlus 9 सीरीज के बारे में दोस्तों। जैसे जैसे बताया जा रहा है कि ये फोन नजदीक आ रहा है अपनी लॉन्चिंग के, इससे जुड़े हुए रूमर्स भी मार्केट में तेजी से आ रहे हैं। एक नए टिपिस्टर ने इन्फॉर्मेशन लीक की है बैटरी के बारे में। बताया जा रहा है कि OnePlus 9 Pro दोनों स्मार्टफोन में 4500 mAh की बैटरी मिलेगी, लेकिन यहां पर चार्जिंग को लेकर दोनों ही स्मार्टफोन्स में हमें फर्क देखने को मिलेगा। 65 वाट की चार्जिंग मिलेगी प्रो वर्जन में, जबकि हमें नॉन प्रो में यानी कि OnePlus 9 में हमें 45 वाट तक की चार्जिंग देखने को मिल सकती है। अभी दोस्तों बहुत
बहुत कुछ डिटेल्स की आना बाकी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कब ये फोन आखिर मार्केट में लॉन्च हो रहा है। इसके बाद खबर है लिनोवो से। लिनोवो K13 स्मार्टफोन अपने स्पेक्स के साथ दोस्तों सरफेस हो गया है ऑनलाइन। स्मार्टफोन को बारे में बताया जा रहा है कि चाइनीज मार्केट के बाहर इसे मोटो EI7 नाम से या किसी और दूसरे नाम से लॉन्च किया जा सकता है। फिलहाल जो फोन आज स्पेक्स के साथ में रिवील हुआ है आपको बता देते हैं, इसमें 5 मेगापिक्सल का मिल रहा है सेल्फी कैमरा, वाटर ड्रॉप नोच में पीछे की तरफ मिल रहा है, वर्टिकली अलाइन किया हुआ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप। वैसे दोस्तों फोन ये एंट्री लेवल जैसा ही लग रहा है, देखेंगे दोस्तों इंडिया में या फिर चाइना में ही कब तक लॉन्च होता है, किस प्राइस रेंज में। अगली खबर है ब्लैक शार्क के गेमिंग स्मार्टफोन ब्लैक शार्क 4 के बारे में। टीना पर इस स्मार्टफोन को दोस्तों स्पॉट किया गया है जहां से डिजाइन कंफर्म हो रही है, बिल्कुल डिफरेंट डिजाइन है पुराने अपने स्मार्टफोन्स के मुकाबले में। पीछे की तरफ हमें अपर टॉप साइड पे देखने को मिलेगा हॉरिजॉन्टली अलाइन किया हुआ कैमरा मॉड्यूल, कौन कौन से सेंसर है दोस्तों इस कैमरे में और क्या क्या मिलेगा फोन में, इन चीजों के बारे में अभी कोई भी डिटेल सामने नहीं आई, जैसे कुछ पता चलेगा आने वाली वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। और इन सारी खबरों के बाद दोस्तों लास्ट खबर है Redmi K40 सीरीज के बारे में। दो स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं जैसा कि आप सबको पता है, K40 K40 Pro। बताया जा रहा है K40 में हमें मिलेगा Qualcomm Snapdragon 870 चिपसेट, जबकि K40 Pro में फ्लैगशिप चिपसेट Qualcomm Snapdragon 888 देखने को मिलेगा। दोस्तों दोनों स्मार्टफोन की डेट अनाउंस हो चुकी है, 25 फरवरी को लॉन्च हो रहे हैं ग्लोबली। देखेंगे दोस्तों किस प्राइस रेंज में कंपनी इसको लेके आती है और इंडिया में कब तक ये फोन आता है। फिलहाल दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही, कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। मिलेंगे दोस्तों एक और नई कमाल एपिसोड के साथ अपने चैनल पर, तब तक रखिए अपना ख्याल, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।